हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका आसिफ मंसूरी। लॉकडाउन के बाद आज हम आ गए दिल्ली के एक और ऐतिहासिक जगह पर। मेरे पीछे आप जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट देख रहे हैं, यह है मिर्ज़ा गालिब का मकबरा। उर्दू के एक बहुत ही मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब, जिनकी शायरी आपने सुनी होगी, उनका यह मकबरा है, जिनका जन्म 1757 में आगरा में हुआ था और इनकी मृत्यु 1859 में दिल्ली में हुई थी। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास ही इनका मकबरा स्थित है। तो आज हम आए हैं हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह के पास ही मिर्ज़ा गालिब के मकबरे पर। तो आइए, अभी हम चलते हैं मिर्ज़ा गालिब के मकबरे के अंदर। तो गाइस, अभी हम आ गए मिर्ज़ा गालिब के मकबरे के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मिर्ज़ा गालिब की मज़ार है और यहाँ पर और भी काफ़ी सारी मज़ारें हैं आसपास। तो ये जो मकबरा है, ये संगे मरमर का बनाया गया है। इसके अंदर जो भी पूरा ऊपर से लेकर, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी नक्काशी की गई है। इसके अंदर संगे मरमर की नक्काशी है और पूरा जो मकबरा है वो ताजमहल की तरह संगे मरमर का बनाया गया है। तो काफ़ी अच्छी कारीगरी की गई है, जिस तरीके से इसमें हाथ से डिज़ाइन बनाया गया है। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं, ये खिड़कियाँ हैं जिसमें सनलाइट अंदर आ रही है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये मिर्ज़ा गालिब की कब्र है, इनका मकबरा है ये मिर्ज़ा गालिब का। और ये आसपास और भी कब्रें हैं यहाँ पे, शायद उस दौरान के शायरों की या मिर्ज़ा गालिब के जो साथ के लोग, उनके जो मेंबर होंगे, उनके साथ के जो शायर होंगे, उनकी ये कब्र हैं। तो आइए चलते हैं इस मकबरे के। वैसे चारों साइड से इसी तरह से बना हुआ है ये मकबरा, इसमें ज़्यादा कुछ घूमने के लिए है नहीं, बहुत ही छोटा सा मकबरा है। अगर आप कभी हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह या के पास आएँ, या आप आने यहाँ पर आना चाहें तो आ सकते हैं। इस मकबरे के जस्ट बगल में ही गालिब अकेडमी है, आप वहाँ भी आ सकते हैं। वहाँ पे मिर्ज़ा गालिब के कलाम, जो इनकी उर्दू अदब की जो शायरियाँ थी, वो सब बुक्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई सफाई वगैरह की नहीं गई है, जबकि मिर्ज़ा गालिब उर्दू के एक बहुत ही मशहूर शायर थे। उनको फारसी का और उर्दू का दोनों का शायर माना जाता था। तो उनका जैसे कि आप देख सकते हैं, इतने मशहूर शायर की जो कब्र है, वहाँ पर ये हाल है, कितनी गंदगी हो रही है, कोई सफाई का ख्याल नहीं रखा गया यहाँ पर। तो ये ऐतिहासिक धरोहर है दिल्ली की, इसका ध्यान रखना सरकार की, लोगों की, हम सब की जिम्मेदारी है। तो यही हमारी पहचान है, हमारा कल्चर है, हमारे अदब है। अगर हम इसकी देखभाल नहीं करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी गंदगी हो रही है यहाँ पे सिगरेट वगैरह सब पड़ा हुआ है, माचिस की तिल्लियाँ। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।